नमस्कार, आपका स्वागत है अर्चना हेड इंडस्ट्री में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ली पनीर। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं पनीर को ले ली हूँ, इसको बड़े बड़े टुकड़ों में आप काट लें। ये करीब 400 ग्राम पनीर है, इसी का मैं चिली पनीर बनाने वाली हूँ। और इसको एक बाउल में रखें, उसी में रेड चिली काश्मीरी है कलर के लिए, क्योंकि ये चिली पनीर है तो रंग थोड़ा सुर्ख होना चाहिए। ये धनिया का पाउडर है, आप चाहें तो डालें चाहें तो नहीं डालें, मैं हल्का डाल दी हूँ। ये हल्दी का थोड़ा सा रंग अच्छा है। इसी में थोड़ा सा 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच मैदा का कोटिंग। मैं पानी नहीं डालूँगी, मैं पनीर को पानी से निकाली हूँ अभी, इसलिए पानी मैं नहीं डालूँगी, ज़रूरत होगा तो इसमें पानी से कोट करूँगी। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी ताकि इसका अच्छे से इसमें अच्छे से लिपट जाए। अच्छा, छानने के बाद ये सौगी ना हो। इसको मैं सूखा ऐसे ही मिलाऊँगी, नमक चुटकी भर स्वाद के लिए, ताकि पनीर खाने में फीकी ना लगे और खाने में मज़ा आए। ये रेसिपी मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ टिफ़िन के लिए, जो थोड़ा आपको हड़बड़ाहट दिख रहा होगा, इग्नोर कीजिएगा। बस ऐसी कोटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो घोल के उसमें छान के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी पानी से निकाली हूँ तो पानी गरा नहीं है, इसी में कोटिंग अच्छे से हो जाएगा। विदाउट पानी कोटिंग हुआ है ये। अब इसको एक पैन में तेल ले लें और इसी को गर्म होने के बाद पूरे डाल दें एक एक करके। आप 4-4, 5-5 पीस भी डाल के छान सकते हैं, मैं इसको पूरे डाल के छान लूँगी। टिफ़िन बना रही हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसी टाइम में मैं फटाक से करके दूँगी। मैं सारे पनीर को इसमें डाल दूंगी। जितना आता है वो आप उतना ही डालें, ताकि ये अच्छे से क्रंची, मतलब छानने के बाद भी बना रहे। ज़्यादा डाल देने से भी वो अच्छे से वो छनता नहीं है, तेल का हीट कम होने लगता है। तुरंत इसको पलटे नहीं, थोड़ा हीट लगने देंगे उसके बाद पलटेंगे। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, घर के बेसिक सामान से भी बन जाती है। पनीर पराठा, पनीर रोल खा के बोर हो गए हैं, तो आप चिली पनीर भी बना के टिफ़िन में खा सकते हैं, दे सकते हैं। बस धीरे धीरे इसी से अलट पलट कर लेंगे। कोटिंग हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, ये बहुत जल्द गर्म हाई हीट में होता है, फटाक से ये हो जाएगी। इसको मैं निकाल लूँगी। थोड़ा कोटिंग निकल गया है, आप 4-4, 5-5 पीस करके डालेंगे तो नहीं निकलेगा। सारा तेल मैं निकाल दी हूँ। ये टमाटो सॉस, सबसे पहला टमाटो सॉस है, ये रेड चिल्ली सॉस है, रेड चिल्ली है, और ये ग्रीन चिल्ली सॉस है।
और इसी में सब मिला ली हूँ। और सोया सॉस, डार्क सोया सॉस भी 2 चम्मच इसी में डाल के घोल ली हूँ। सारा तेल बॉक्स से मैं निकाली हूँ, सिर्फ 2 चमचा। एक बड़े साइज़ का प्याज को मैं क्यूब से शेप में काट ली हूँ, और साथ में छोटे छोटे लहसुन, अदरक और 1 कैप्सिकम। आप टमाटो चाहें तो डालें, चाहें तो नहीं डालें। मैं टमाटो अब नहीं डालूँगी। तेल गरम हो जाने के बाद चिल्ली ये सब सारे, 1 कैप्सिकम कटा नहीं था उसको मैं काट दे रही हूँ छलनी से। इसको एकदम पूरे स्टार्ट कीजिए हाई हीट में, ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। बस इसी में ये सारा सॉस जो मिला के डाले हैं उसको डाल दें। इसमें मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल के घोल दी थी। जो भी कटोरी में सॉस लगा है उसमें पानी डाल के निकाल के उसको भी धो के मैं डाल दूँगी। फटाक से बन गई, बहुत 10 मिनट में ये डिश बन गई। इसको आप पराठा, नान, रोटी, आप जिसके साथ आप चाहें तो आप खाएं, या नूडल्स के साथ, ये ऐसे ही स्टार्टर के रूप में भी इंजॉय करें, ये बहुत अच्छा लगता है। एक से दो उबाल आएगी, ये बन गई। नमक आप अपने हिसाब से ही डालें, क्योंकि सॉस, सोया सॉस में भी नमक होती है। मैं थोड़ा सा नमक ही डाली हूँ। अगर पैकेट वाला मसाला डालते हैं तो आप नमक ना ही डालें। मेरे पास था नहीं, मॉर्निंग का समय है तो मैं ऐसे ही बना दी हूँ फटाक से। थोड़ा सा पानी और गाढ़ा लग रहा था, पनीर को डालूँगी तो थोड़ा ये एब्जॉर्ब करेगा। ये बहुत खाने में अच्छी लगती है। सारे पनीर को मैं इसमें डाल दूँगी। और बहुत हल्के हाथों से मिलाएं, बहुत हल्के हाथों से मिलाएं। ये झटपट से तैयार होने वाली चिल्ली पनीर बहुत आसान तरीके से मैं बताना सिखा दी हूँ आप लोग को। आप लोग भी चाहें तो बना के टिफ़िन में डाल सकते हैं या सुबह के ब्रेकफास्ट में खाएं, या डिनर में, या लंच में, किसी भी टाइम, या हर टाइम ये सूट करता है खाने में। 2 मिनट इसको ढक के फ्लेवर फिल करा दूंगी। बस इसके बाद आप डिश आउट कर ले। ये बन के तैयार हो गई, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। थोड़ा देर के बाद ये, और अभी ये गर्म है, थोड़ी देर के बाद और ये ड्राई हो जाएगी। देखने से कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। और इसको आप निकाल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी। 2 रोटी के जगह 4 रोटी, 4 पराठा खा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू। मैं काट के भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट, ये सॉफ्ट ही रहेगा, ये हार्ड नहीं होगा। कितना सॉफ्ट बना है ये पनीर, मैं घर में बनाई हूँ। पनीर की रेसिपी चाहिए कि पनीर कैसे बनती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। उसको पनीर छान देने के बाद भी ये सॉफ्ट ही रहती है, हार्ड नहीं होगी। थैंक यू।